जिस प्रकार भागवत जी के गोपी गीत में गोपियों ने कहा कि हे भगवान, हमसे चार बातें भुलाई नहीं जाती। एक तो आपके साथ बिताया हुआ समय, दूसरा आपके कहे हुए वचन, तीसरा आपकी प्रेम और करुणा से भरी दृष्टि, और चौथा आपका करुणा बरसाता हुआ प्रिय हास्य। ये चार चीज़ें भुलाई नहीं जाती, और इन चार के द्वारा, इन चार में से को भी हम याद करते हैं तो हमारा कल्याण होता है, हमें शांति मिलती है। प्रहसितम प्रियम प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम रहसि संविदो यह हृदि स्पर्श। ध्यान मंगलम, इनके ध्यान से मंगल होता है। तो शिष्य भी अपने गुरु के साथ बिताया हुआ समय न भूले, उनके वचन न भूले, उनकी करुणा भरी दृष्टि को न भूले, और उनका जो करुणा बरसाता हमारे हृदय को भी आनंदित करने वाला प्रिय हास्य है वो न भूले। और विशेष रूप से मैं बहनों के चरणों में प्रार्थना करूँगा कि बहनों के पास भावना का एक बहुत बड़ा धन होता है। बहनें उस भावनाओं को अगर सही दिशा देंगी तो सावित्री जैसा तेज, अनुसुया जैसा सामर्थ्य, सहजोबाई जैसी निष्ठा वो प्रत्येक बहन को प्राप्त हो सकती है। कोई लोग कहते हैं कि स्त्री अबला है, परंतु वास्तव में वो तो मातृशक्ति है। शक्ति रूप में स्त्री मूर्ति ही मान्य हुई है। हम देवी की पूजा करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं। महिषासुर मर्दन का जब प्रसंग आया, महिषासुर सबको सताता था, कैसे मुक्ति मिले ये जब सवाल आया तो आप जानते हैं देवी का आह्वान किया गया और देवी ने महिषासुर का मर्दन किया। केवल राम राम नहीं कहते हैं, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीता जी का नाम पहले आता है, राधा जी का नाम कृष्ण जी के नाम के पहले आता है। भारत की देवियों को, बहनों को ही चाहिए कि अपनी आत्मशक्ति का भान रखकर सामने आए। स्त्री शरीर में शक्ति कम नहीं है, बहुत है, परंतु मानसिकता कुछ ऐसी दबी हुई है। आसुरी संपत्ति के कारण अगर बहनें अपनी भावनाओं को दिशा दे दें, पुरुष की अपेक्षा बहनों का खुराक भी कम होता है। जांच कर लेना, भले भाइयों को शंका हो तो, पुरुष की अपेक्षा बहनों का खुराक कम होता है। और बहनें कोमल स्वभाव की भी होती हैं। हाँ, कोई कोई हो बात अलग है। एक आदमी घर पे रोटी खाने पहुंचा शाम को, तो उसकी पत्नी बड़ी तेज मिजाज वाली थी, सब्जी में मिर्ची ज़्यादा थी, उसकी आँख से पानी बहता रहा, पर वो एक शब्द भी न बोला कि न जाने क्या होगा। आँख से पानी बरसता रहा तो पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, आपकी आँख में आंसू क्यों? वो बोला कि खुशी के आंसू हैं। तो पत्नी बोली, इसका मतलब भोजन बढ़िया बना है, आपको खुशी हो रही है, सब्जी और लाऊं? वो बोला कि नहीं नहीं, बस बहुत हो गया। बोले क्यों? वो बोला कि ज़्यादा खुशी सहन नहीं कर पाऊँगा, इतनी सहन करूँ तो बहुत है। तो कठोरता में जितनी शक्ति होती है उससे अधिक शक्ति कोमलता में होती है। जिसके हृदय में कोमलता होगी, वाणी में, व्यवहार में कोमलता होगी, वो सामने वाले के हृदय में प्रवेश कर जाएगा और वहीं बस जाएगा। और जो कठोर होता है वो सामने वाले के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता। इसलिए पुरुषों को भी चाहिए कि वो पुरुष बने, परुष न बने।
पुरुष पुरुष नहीं रह जाता, जब परुष बन जाता है। तो देखो जब मृत्यु होती ना तो कोई साथ नहीं जाता, पर स्वभाव साथ जाता है। एक आदमी पर कोई केस था तो वो अपने कागजात लेकर वकील के पास गए। वकील सुबह का टाइम बगीचे में बैठे थे, चाय पी रहे थे। अपने नौकर को कहा कि मेरा पढ़ने वाला चश्मा लाना जरा। तो इस देहाती आदमी को हुआ कि पढ़ने वाला चश्मा, मतलब चश्मा भी ऐसा होता है कि उससे पढ़ा जा सके, तो ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। मेरे को पढ़ना आता नहीं, मैं अनपढ़ हूँ, तो मैं भी एक पढ़ने वाला चश्मा खरीद लूँ। वो नौकर चश्मा ले आया, वकील ने लगाया, पढ़ा, बातचीत कर ली, तारीख जो थी बोले ठीक है आ जाएंगे। पर ये पूछता है कि साहब ये पढ़ने वाला चश्मा आप कहाँ से लाए? तो उसने बता दिया बाजार में अमुक दुकान से मैं लाया। तो वो भागा, बात ठीक से समझा नहीं, भागा और चश्मे वाले की दुकान पे जाके बोला एक पढ़ने वाला चश्मा दे दो। दुकानदार ने सोचा कि नंबर नंबर है आपका, कौन सा नंबर है? बोले नंबर कोई नहीं, आप पढ़ने वाला चश्मा दे दो। दुकानदार ने सोचा ग्राहक आया ठीक है, क्यों खाली जाने दूँ। एक चश्मा दिखाया, बोर्ड पर कुछ अक्षर लिखे हुए थे। इससे पढ़ने में आ रहा है? बोले नहीं आ रहा। सोचा शायद नंबर अलग होगा, दूसरे नंबर का लगा है। अब पढ़ने में आ रहा है? नहीं आ रहा। बारी बारी से कई चश्मे बदले, परंतु एक भी चश्मे के द्वारा उसको पढ़ने में नहीं आ रहा था। तो दुकानदार ने तंग होकर के पूछा कि आपको पढ़ना भी आता है कि नहीं? अरे बोले भले आदमी, पढ़ना आता होता तो चश्मा लेने क्यों आता? मैं कब से कह रहा हूँ पढ़ने वाला चश्मा दो। वो वकील ने मंगाया नौकर से पढ़ने वाला चश्मा, तो एक मेरे को भी दे दो, मैं भी पढ़ सकूँ। अब पढ़ाई की नहीं तो चश्मा, ऐसा चश्मा आता है क्या? कोई अनपढ़ हो आदमी और चश्मा लगा दे उसको पढ़ना आ जाए? नहीं। ऐसे ही सारी जिंदगी तो हाय हाय की, मरने पड़ेगा तब उसके मुंह से हरी हरी नहीं निकलेगा, हाय हाय ही निकलेगा, और दूसरे जन्मों में भी हाय हाय ही करता रहेगा। पर इस प्रकार जिसके जीवन में हरी हरी करने की आदत पड़ गई तो अंतकाल में भी उसके मुख से भगवान का नाम निकलेगा, उसकी गति बहुत ऊंची होगी, बहुत ऊंची होगी। तो परुष नहीं बनना है, पुरुष बनना। और बहने भी अपनी मातृशक्ति को जगाना। तैतृय उपनिषद में मातृ देवो भव पहले है, पितृ देवो भव बाद में है। राम जी को जब विभीषण ने रावण को मारने के बाद, राजगद्दी पर बैठने के बाद कहा कि आप थोड़े दिन लंका में रुक जाओ, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपने बहुत कष्ट उठाया और हम, हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम थोड़ी सेवा करें आपकी, राम जी ने कहा नहीं, मुझे मेरी जन्मभूमि याद आ रही, मुझे जाना है, मुझे मेरी जननी याद आ रही है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मैं जाऊंगा। तो कितना राम जी भी आदर देते हैं। संस्कृत वांग्मय में बहनों के लिए शब्द है ये महिला। महिला माने क्या? महिला माने महान शक्तिशाली। हिंदुस्तान में महिलाओं की कई संस्थाएं हैं, पर आप कहीं ऐसा ना पाओगे कि अबला समिति नहीं, हर जगह नाम होता है महिला संगठन, महिला समिति, महिला समिति माने महान शक्तिशाली समिति। मनुस्मृति में आता है बाल्य पितुर्वशे तिष्ठेत पाणी ग्राहस्य यौवने पुत्राणाम भर्तरी प्रेते न भजेत स्त्री स्वतंत्रताम। माने बचपन में स्त्री को, कन्या को पिता के अधीन, बड़ी हो गई शादी हुई पति के अधीन, बुढ़ापा आया तो बेटों के अधीन रहे। अब इसका मतलब क्या कि वो अधीन रहे? नहीं, इसका सही अर्थ तो ये है कि आजीविका संपादन की जवाबदारी बहनों पर नहीं है, पुरुषों पर है। पुरुष की जिम्मेदारी है। और स्वातंत्र शब्द इस श्लोक में आज की भाषा का नहीं है, प्राचीन भाषा का है। और प्राचीन भाषा में इसका अर्थ यह है कि पोषण की जिम्मेदारी, पत्नी के पोषण की जिम्मेदारी पति पर, कन्या कुमारी है तो उसके पोषण की जिम्मेदारी पिता पर, और बुढ़ापे में माँ के पोषण की जिम्मेदारी बेटे पर आती है।
मनुस्मृति में लिखा है कि 100 साल तक बेटा अपनी माँ की सेवा करे तो भी माँ के ऋण से छूट नहीं सकता, माँ का इतना उपकार है। इसलिए युवाओं को चाहिए कि अपने माता पिता का अपमान न करें, बोझा न लादा जाए उन पर, बेटों पर भी बेटी पर भी, कि माँ बाप भी फिर ऐसा न कि तुमको ये करना ही पड़ेगा, ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं। अगर बेटा बेटी कोई गलत रास्ते पर है तो उनके लिए जप करो, जप करके उनको जल दे दो, वो जब सोए हों तो उनके जो श्वास चल रहे हैं उस तरफ देख के संकल्प करो कि ऐसा करो ऐसा न करो, ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम तो होगा। और सुबह जब जब पाठ करते हैं तो जल भर के रखें, वो पिला दें। और युवाओं को चाहिए कि अपने घर के बड़ों का जरा आदर करें, झुक जाएं। घाल तराजू तोलिए नमे सो भारी होए, तराजू उठाते हैं ना कुछ तोलने के लिए, तो जो पलड़ा झुक जाता है ना वो भारी कहलाता है। ऐसे ही जो किसी के आगे झुक जाता है वो उल्टा भारी कहलाता है, वह वजनी कहलाता, वजनदार कहलाता। अकड़ जाए वो भारी नहीं है, झुक जाए वो भारी है, नम जाए वो भारी है। शंकराचार्य जी आदि जगत गुरु परिव्राजक थे, फिर भी अपनी माँ के लिए कितना आदर था। जब माँ ने शरीर छोड़ दिया, सन्यासी होने के बावजूद भी आए अपनी माँ के अंतकाल की अंत्येष्टि निपटाने के लिए, नहीं तो सन्यासी को ये नियम लागू नहीं होता। सन्यासी हो गया तो बस। पर आद्य शंकराचार्य जी ने सब विधि पूरी की, अंतकाल में आए अपनी माँ के पास। कई लोग बोलते हैं स्त्रियों को समान अधिकार होना चाहिए, हकीकत में ऐसा बोलना ये स्त्रियों के अधिकार को कम करना है। स्मृति ग्रंथों में तो ऐसा आता है कि पुरुष को मुक्ति के लिए संन्यास की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन महिला को मुक्ति पाने के लिए संन्यास की जरूरत नहीं है। स्मृति ग्रंथों में आता याज्ञवल्क स्मृति, भरद्वाज स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, शंख स्मृति, संवर्त स्मृति, पाराशर स्मृति, व्यास स्मृति, विश्वामित्र स्मृति, इनमें अलग अलग अपने अपने ढंग से इन महापुरुषों ने बताया कि पुरुष को मुक्ति चाहिए तो संन्यास ले। और संन्यास का मतलब भी समझना ठीक से, उसका मतलब ये नहीं कि हम सभी दंडी स्वामी बन जाएं, लाल कपड़े गेरुए वस्त्र पहनकर घूमने लग जाएं लुधियाना की सड़कों पर। ये सन्यासी माने गीता के अर्थ में सन्यासी की व्याख्या समझनी पड़ेगी, नहीं तो कई लोग वेश बदल लेते हैं पर द्वेष नहीं छोड़ पाते। जेलेसी ईर्ष्या तो कूट कूट के भरी होती। तो सन्यासी भगवान कृष्ण ने किसको कहा? सन्यासी कौन है? उसी की मुक्ति होगी। ज्ञेय सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो किसी से द्वेष नहीं करता वो नित्य सन्यासी है। खाली कपड़े पहनने वाला नहीं, ज्ञेय सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि, किसी से द्वेष नहीं करता, न कांक्षति किसी की इच्छा नहीं करता, जा कुछ नहीं चाहिए। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते, वही सन्यासी है। बाकी सन्यासी का वेश पहन लेने के बाद बोले अरे ये तो गृहस्थी है, ये क्या जाने, मस्त रहो मस्ती में आग लगे बस्ती में, क्या बकवास करता है। मस्त रहो मस्ती में आग लगे बस्ती में, अरे बस्ती है तो रोटी मिलती है साधु को भी, बस्ती नहीं होगी तो साधु को रोटी कहाँ से मिलेगी। इसलिए किसी साधु को किसी सन्यासी को ये बकवास तो करनी ही नहीं चाहिए, मस्त रहो मस्ती में आग लगे बस्ती में, तो साधु खाएगा क्या? बस्ती में आग क्यों लगे भाई? विकारों में आग लगे, चिंता में आग लगे, वासना में आग लगे, साधु रहे मस्ती में आग लगे बस्ती में, नहीं। सबका मंगल सबका भला हो, गुरु चाहना ऐसी है। सबका मंगल सबका भला हो, गुरु चाहना ऐसी है। सबका मंगल सबका भला हो, गुरु चाहना ऐसी है। सबका मंगल सबका भला हो, गुरु चाहना ऐसी है। इसीलिए तो आए धरा पर सदगुरु आए।
आशा राम जी है। सबका मंगल सबका भला हो, गुरु चाहना ऐसी है। सबका मंगल सबका भला हो, गुरु चाहना ऐसी है। भजन फिर लंबा हो जाएगा, देर हो जाएगी। भारत में बहनों में वो शक्ति है और देखी गई है कि बहनें महिलाएं सीएम और पीएम के पद पर भी पहुंची हैं। इंदिरा गांधी महिला ही तो थी, पीएम के पद पर पहुंची थी, और अभी आज की तारीख में भी महिलाएं सीएम के पद पर हैं वर्तमान में। तो कोई भी बहन, कोई भी महिला अपने को अबला ना माने, वो महिला है, माने महान शक्तिशाली। मेरा कोई नहीं, मुझे और सहारे क्या करने, एक तेरा सहारा काफ़ी है। बाकी के सब सहारे टूट जाते हैं बन बन के, एक तेरा सहारा कभी टूटता नहीं गुरुवर। मुझे आपका साथ चाहिए, बस आपका सहारा चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम में वीरहा शब्द आता है, एक विष्णु भगवान का, विष्णु सहस्त्र नाम में आता वीरहा। वीरहा माने व्यर्थ की प्रेरणाओं को, व्यर्थ की इच्छाओं को, व्यर्थ की वासनाओं को हरने वाला, व्यर्थ के विचारों को, विकारों को हरने वाला। इसलिए कभी ऐसा दीनता का विचार आए तो भगवान का नाम जप, गुरु ने जो दिया है। और कोई कष्ट आए तो किसी और का सहारा नहीं चाहिए, जीव तालों में लगा के बैठ जाए, अपने अंदर में जो विराजमान है सर्वसमर्थ, उसका सहारा लें बस। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। बन 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 के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। ये रस्म पुरानी जग की, ये रस्म पुरानी है जग की। टूटे न कभी छूटे न कभी, बस तेरा सहारा काफी है। टूटे न कभी छूटे न कभी, बस तेरा सहारा। नजरों को धोखा देते हैं ये झूठे नजारे दुनिया के। नजरों को धोखा देते हैं ये झूठे नजारे दुनिया के। ये झूठे नजारे दुनिया के, ये झूठे नजारे। प्यासी नजरों के लिए बस तेरा नजारा काफी है। मेरी प्यासी नजरों के लिए बस तेरा नजारा काफी है। हरी हरी वाले का सहारा जो सर्व समर्थ है। मैं रोज कल भी ये प्रार्थना की थी और आज भी कर रहा हूं। भगवान ने कहा मैं स्त्रियों में सात रूपों से बैठा हूं।
कई बहनें, मेरे पास खबरें आती है, कई जगह जाता हूँ, कई बहनें बिचारी भोलेपन में उनको दुष्ट दुराचारी ठग लेते हैं। कल भी मुझे फ़ोन के द्वारा एक घटना ऐसी मैंने सुनी मुंबई की, मुझे बड़ा दुख हुआ कि कैसा आजकल के युवान बेचारे भ्रांत मान्यताओं में उलझते हैं और कैसी कैसी उनके द्वारा चेष्टाएं होती है और बाद में वो पछताते भी हैं। तो कितनी ज़रूरत है आज सत्संग की। इसलिए मैंने सुबह भी प्रार्थना की, अगर हम अपने राष्ट्र में से, अपने देश में से सदा के लिए ऐसी ऐसी घटनाएं चीरहरण की और सीताहरण की बंद करना चाहते हैं, तो सुयशा कब सुमरोगे राम नाम की कैसेट जो बापू जी के सत्संग की है, अपने रक्षक आप, ये कैसेट वीडियो सीडी भी है, इसकी ऑडियो कैसेट भी है, ये हर युवान तक पहुंचाएं, हर बहन तक पहुंचाएं। घर पे पिताजी बीमार हो जाएं, सुनना, जो भी पिता हैं, बेटी है आपकी घर पे, पिता अगर बीमार हो जाए या उसको आर्थिक कुछ परेशानी हो, कोई समस्या हो, और उस टेंशन के कारण पिता ने रोटी ठीक से नहीं खाई, थोड़ा खाया न खाया खड़े हो गए, नाम कर लिया कि मैंने खा लिया, तो देखना बेटे को टेंशन नहीं होगा, वो मज़े से खा पी के सो जाएगा, पर बेटी को जरूर होगा कि माँ को पूछेगी, पिताजी को पूछने की हिम्मत नहीं होगी तो माँ को पूछेगी, माँ आज पिताजी ने खाया क्यों नहीं, क्या बात है, उनको क्या तकलीफ है, बता। चेन्नई से थोड़ा दूर एक गांव में बनी घटना, रात को 1 बजे एक लड़की गरीब इलाकों में रहती थी, झोपड़ी में, गरीबों की बस्ती, लड़की रात को 1 बजे उठी पानी पीने के लिए, गर्मी के दिन होंगे, प्यास लगी उसको, तो रात को उसने देखा कि उसकी माँ उसके पिताजी के घुटनों पर, पैरों पर कुछ सेक कर रही है। उस समय तो वो कुछ बोली नहीं, पानी पी के फिर सो गई, पर सुबह उसने अपनी माँ को पूछा, माँ मैं आधी रात को उठी थी तो पिताजी को सेक कर रही थी घुटनों पर, पैरों पर, क्यों? तो माँ बोली, बेटी तू अब बड़ी हो गई है ना, तो कॉलेज में भी पढ़ती है, तो तेरे लिए कपड़े चाहिए, अच्छे ड्रेस चाहिए, और कॉलेज की पढ़ाई के लिए, ट्यूशन के लिए, किताबों के लिए, नोटबुकों के लिए पैसा चाहिए, तो तू तो जानती है हम लोग गरीब हैं, पैसा नहीं है, तेरे पिताजी पैडल रिक्शा चलाते हैं, तो तेरे लिए पैसे ज़्यादा इकट्ठे हों, इसलिए बेटी तेरे पिताजी 8 बजे पहले घर आते थे, अब रात को 12 बजे तक वो पैडल रिक्शा चलाते हैं कि मेरी बेटी के लिए मैं पैसे ज़्यादा कमा सकूं। तब बेटी की आंख में आंसू आ गए, बेटी ने कहा, माँ पिताजी को कहना मैं 2 जोड़ी कपड़े में काम चला लूँगी और रूखा सूखा खा लूँगी, मैं ट्यूशन के लिए पिताजी से पैसे नहीं मांगूंगी, मैं फालतू खर्च के लिए पिताजी से पैसे नहीं मांगूंगी, माँ मैं कम खर्च में गुजारा कर लूँगी, मैं तेरे से कपड़ों के लिए भी पैसे नहीं मांगूंगी, पिताजी को कहना वो देर रात तक पैडल रिक्शा न चलाए, 8 बजे घर पे आ जाएं, सो जाएं, मेरे पिता को तकलीफ ना हो। यह है बेटियों की भावना। पर वही बेटियां अगर कॉलेज में इधर उधर उनको संग सही न मिले ना, तो उनकी भावनाओं को दुष्ट दुराचारी लोग गलत दिशा में मोड़ देते हैं। कई बार जब सुनने को मिलता है तो बहुत दुख भी होता है। इसलिए बहनें सजाग हो जाएं, बहनें अपने मातृत्व को जगाएं, बहनें अपनी या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता को जगाएं। जनक ब्रह्मज्ञानी थे, साक्षात्कार हुआ था उनको ईश्वर का, फिर भी जब उनकी बेटी सीता जी का विवाह संपन्न हुआ और बेटी अब ससुराल जा रही है, तो ब्रह्मज्ञानी संत जनक जी अपनी बेटी की विदा के समय रो पड़े। इतना एक ब्रह्मज्ञानी संत का, जनक का अपनी बेटी के लिए प्यार था, क्योंकि बेटी भी ऐसी थी। तो बेटियां चाहें, बहनें चाहें तो बहुत कुछ कर सकती है। कन्या लक्ष्मी का रूप है, कन्या साधारण नहीं।
नौरतों में कन्याओं को हम भोजन कराते हैं कि कन्या को भोजन कराएंगे तो देवी प्रसन्न हो जाएगी। जरा सोचो ऐसा क्यों होता है कि वो कन्या ही देवी का रूप है। तो कन्या अपने देवत्व को जगाए, अपने देवत्व को भूले नहीं हम। वेदवती को देखो, रावण ने केवल उसके बाल पकड़े थे उसको जबरन ले जाने के लिए कि तू मुझसे शादी कर। वेदवती ने ठान लिया था मैं भगवान से शादी करूंगी। झटका दिया, बाल कट गए। वेदवती ने कहा तूने पाप के भाव से मुझे छू लिया, मैं शरीर को खत्म कर दूंगी पर दूसरा जन्म लेकर आऊंगी, भगवान को पाऊंगी और तेरा भी विनाश होगा, देखना। भावनाओं को सही दिशा दी है वेदवती ने, उस पापी के चक्कर में आई नहीं, भगवान को पति के रूप में पाने का इरादा दृढ़ था, पूरा हो गया और दुष्ट का विनाश भी हुआ रावण का। तो बहने अपने को अबला नहीं समझना, भगवान कहते हैं मैं सात रूपों से बैठा हूं। कीर्ति माने ऐसी पवित्र बहन कि उसके दिल से वासना तिरोहित हो गई, वो उपासना की मूर्ति हो गई। उपासना शब्द भी बहनों स्त्रीवाचक है, भक्ति शब्द भी स्त्रीवाचक है। व्याकरण की दृष्टि से आप देखो, कई कन्याओं का नाम उपासना होता है, कई बहनों का नाम भक्ति भी होता है। मैंने सुना है, मैंने उन बहनों को देखा, भक्ति नाम, कन्या का नाम भक्ति। कितने पवित्र नाम है। तो अपने उस गुण को हम जगाएं। राम जी जब लंका से पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या की धरती पर विमान उतरा तो प्रजा को अपना राजा मिला, गुरु को अपने शिष्य मिल गए, मां को अपने पुत्र मिल गए। पर राम जी कहते हैं मुझे मेरी मातृभूमि मिल गई, मैं अपनी मातृभूमि में लौट आया। मातृभूमि के प्रति इतना आदर, ये भारत माता हमारी मातृभूमि है, तो हम इस मातृभूमि के लिए, भारत देश की संस्कृति के लिए, इसके उत्कर्ष के लिए हम कदम आगे बढ़ाएं। और बापूजी जैसे गुरु मिल रहे हैं हमको, हम चाहें तो भारत को विश्व गुरु के पद पर पहुंचाने में अपना बहुत योगदान दे सकते हैं। इतने भाई ठान ले, इतनी बहनें ठान ले, क्या नहीं हो सकता। और पंजाब के वीर, पंजाब का इतिहास गवाह है, वीरत्व वाला इतिहास है पंजाब का, पंजाब के वीरों का। गर्दन हाथ में लेकर योद्धा लड़ता रहा, सिर कट गया फिर भी शत्रुओं के साथ जूझते रहे। ये वो पंजाब की वीरों की धरती है पंजाब। अमृतसर के जलियांवाला बाग में क्रूर शासक अंग्रेज जनरल डायर ने गोलियां चलाने का हुक्म दिया, जो बच के भाग निकले उनको उस दुष्ट जनरल डायर ने हाथ की कोनी और घुटनों के बल अमृतसर की गलियों में चलाया था। उधम सिंह से सहन न हुआ और उधम सिंह ने ऐसा तो तप किया कि जाकर उस दुष्ट जनरल डायर को आखिर मार डाला, सबके बीच खत्म कर दिया उसको। ये वो पंजाब की धरती है जहां उधम सिंह जैसा वीर इस धरती पर हुआ। सिख गुरु भक्तों का इतिहास बड़ा प्यारा इतिहास है, बड़ा प्रेरणादायी इतिहास है। तो बहुत सजाग रहे, इसलिए मैं बार फिर से कहूं, बार बार कहूं, सुयशा कब सुमरोगे राम, अपने रक्षक आप, ये कैसे हर युवानों तक पहुंचाओ, हर कन्या तक पहुंचाओ। आपकी बहुत बड़ी सेवा होगी इस मातृभूमि की, इस राष्ट्र की बहुत ऊंची सेवा होगी। बहुत रुपया लोग खाने पीने में मौज शौक में खर्च कर देते हैं, 50-100 रुपया अगर कैसेट लेकर सत्संग की किसी कन्या तक, किसी युवान तक पहुंचाई तो
तो उससे उसको कितना लाभ होगा आप सोचो। मुझे तो एक सज्जन ने कहा दिल्ली में कि मेरे बेटे की शादी होगी तो शादी में जो भी आएंगे मैं उनको बापूजी के सत्संग की कैसेटें प्रसाद के रूप में गिफ्ट के रूप में दूंगा कि ये सुनो, मैं गिफ्ट पैक बनाऊंगा बापूजी के सत्संग की कैसे। मैंने कहा शाबाश है, धन्य है आपकी सोच को, लोगों तक सत्संग कैसे पहुंचे। आज के युग में सर्वाधिक किसी के गुणों पर अगर प्रहार हुआ हो तो वो नारी है। कौन से गुणों का मूल्य है उनकी धारणा ही खो गई है, चोट हो गई। बहनों का कसूर नहीं है, कसूर अभागी विदेशी चैनलों का है। बहनें खाली सजाग हों बस। विनोबा भावे कहते थे कि अगर हमारे देश की कन्याएं सावधान हो जाएगी तो हमारे देश में बहुत कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, बहुत कुछ ऊंचाइयां प्राप्त हो सकती हैं। और गुरुदेव की बताई साधना में अगर हम निष्ठा से लगेंगे तो कीर्ति फलित हो जाएगी। कुरूप नारी हो, उसका रूप अच्छा ना हो, कुरूप नारी में भी अगर कीर्ति का फल फलीभूत हो तो दैवी सौंदर्य की आभा फूटने लगेगी। और बाहर से सौंदर्य बहुत बढ़िया हो पर कीर्ति न हो तो उसका सौंदर्य ऊपरी होता है, भीतर की कुरूपता उसके व्यवहार से प्रत्यक्ष हो जाती है। जैसे शूर्पणखा सुंदरी बनकर आई थी परंतु भीतरी कुरूपता उसके व्यवहार से प्रकट हो गई, शूर्पणखा की नहीं हो गई, अपने रूप में मूल रूप में आ गई वो। तो बाहर सौंदर्य हो, भीतर सौंदर्य न हो, दैवी संपत्ति का कीर्ति का भीतरी सौंदर्य नहीं होगा तो कुरूपता प्रकट हो जाएगी। ऐसा बाहरी सौंदर्य वो बहुत छिछरा है, स्किन डीप माने चमड़ी की गहराई कितनी, चमड़ी जो है हमारे शरीर पर इसकी क्या गहराई, इसकी परत कितनी। तो बाहर का सौंदर्य इतना ही है, चमड़ी जितना गहरा बस। सच्चा सौंदर्य तो भीतरी है। सुकरात बाहर से दिखने में सुंदर नहीं थे और कोशिश भी नहीं की, वो बोलते थे भगवान मैं भीतर से सुंदर बन जाऊं। भीतरी सौंदर्य को जगाना बहुत जरूरी है। जैसे सूर्य है, सूर्य में केवल आभा हो और प्रभा न हो तो प्रकाश कैसे मिलेगा। सूर्य के पास अपनी एक आभा है पर प्रभा भी है, समाज को प्रकाशित करने की प्रभा, समाज को प्रकाश से संपन्न करने की प्रभा सूर्य के पास है। ऐसे ही हर बहन के पास, भाई के पास, हम सब के पास एक अपनी आभा भक्ति की, ध्यान की, जप की और एक प्रभा भी होनी चाहिए कि हमारे संपर्क में जो भी आए वो भी प्रकाशित हो, वो भी भक्ति की गंगा में नहा उठे, ऐसा जीवन हो, उसका भी दौर्बल्य दूर हो जाए, वो भी अपनी श्री को पाले, आत्मिक श्री को। देखो आत्मिक श्री को बहने जगाएगी, आंतरिक सौंदर्य को, आंतरिक प्रभा को, तो उससे क्या होगा। देखो नारी है ना, नारी के द्वारा ही संतान का जन्म होता है। नारी महान होगी तो संतान भी महान होगी, संतान पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और सप्तरंग की सात गायें हों, देसी जर्सी नहीं, उसको अगर गर्भवती महिला परिक्रमा करेगी उन सातों गायों को तो उसकी जो संतान होगी वो बड़ी तेजस्वी, बड़ी प्रभावी संतान होगी, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। पर अपनी जो गौशाला है आश्रम के पास उसमें सब देसी गायें हैं, ये महिमा है खास गौशाला, सब देसी गायें। और वहाँ ये सप्त गौ मंदिर भी बना हुआ है, कोई गर्भवती देवी वहाँ जाकर उन सात गायों की परिक्रमा करे और थोड़ा भगवान नाम जप करे तो उस देवी की संतान बड़ी तेजस्वी संतान होगी, बेटा बेटी जो भी होगा वो बड़े प्रभावशाली होंगे, माँ बाप का नाम रोशन करने वाले बेटे बेटी होंगे, वाणी ऐसी हो कि शास्त्रीय वाणी, जैसे वाग देवी सरस्वती है, हाथ में माला है, एक हाथ में पुस्तक है और बाकी दो हाथों में वीणा है, तो ऐसी हमारी वाणी हो कि स्वर संधान हो, कोई भी सुने तो बस आनंदित हो जाए। वाचस्पति मिश्र
बड़े विद्वान व्यक्ति थे। ब्रह्मसूत्र एक बहुत ऊंचा ग्रंथ है अध्यात्म जगत का, व्यास भगवान द्वारा रचित, उस पर टीका लिख रहे थे। उनकी पत्नी भामती देवी वो उनको मदद रूप रहती थी, कभी डिस्टर्ब नहीं करती थी, टाइम होता तो खाना रख जाती, प्रसाद जो भी बनाती, कभी फल कभी कुछ कभी कुछ, शाम को अंधेरा होता तो दिया जला देती, रात को वो काम करके सोते तो फिर दिया बुझा देती, सुबह फिर तैयारी में लग जाती, कभी कुछ बोलती नहीं थी, मौन रख कर सेवा करती थी। कभी ऐसा नहीं बोला आप तो मेरे सामने देखते भी नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ, जरा कुछ बात करो, कुछ देखो मेरे सामने, नहीं नहीं 12 साल बीत गए और 12 साल पूरे होने पर वाचस्पति मिश्र का वो ग्रंथ पूरा हुआ। तब उन्होंने सिर उठाया तो सामने भामती को देखा तो पूछते हैं कि तुम कौन हो, अब जिससे शादी हुई है वो पूछे कि देवी तुम कौन हो, तो सोचो पत्नी कितना दुखी हो सकती है, परंतु भामती दुखी नहीं हुई, वो आदरपूर्वक हाथ जोड़कर कहती है कि मेरे माता पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, याद आया आपको पतिदेव? अरे हाँ देवी याद आया, 12 साल पहले हमारा विवाह हुआ था, परंतु देवी तुमने देर कर दी, पहले मेरे को क्यों नहीं बताया, इतने 12 सालों में तू सेवा करती रही, बताया क्यों नहीं? बोले पतिदेव मैं आपको विक्षेप नहीं करना चाहती थी। बोले पर देवी मैंने भी संकल्प लिया था कि मेरी ब्रह्मसूत्र की टीका पूरी होगी उसी दिन मैं संन्यास ले लूँगा, मैं संन्यास की दीक्षा ले लूँगा। देवी मुझे बड़ा दुख हुआ, अब तो मेरा वचन संन्यास लेने का उसका क्या होगा? तब वो पत्नी कहती है कि पतिदेव आप जरा भी संकोच न करें, आपके मुख में मेरे लिए प्रसन्नता के शब्द, आपके दिल में मेरे लिए जगह, इतना प्यार, वो मेरे लिए कम है क्या? आप जरा भी संकोच न करें, आप जिसमें राजी उसमें मैं राजी। तब वाचस्पति मिश्र ने कहा देवी कैसी तेरी ऊंची भावना, 12 साल तक चुपचाप तू सेवा करती रही, देवी मैंने जो ब्रह्मसूत्र महान ग्रंथ की टीका लिखी है आज से उसका नाम मैं तेरे नाम से रखता हूँ भामती टीका, आज भी ब्रह्मसूत्र की टीका वाला ग्रंथ भामती टीका के नाम से, जिसकी व्याख्या वाचस्पति मिश्र ने की कि मुझे नहीं पर लोग तेरे नाम को याद रखेंगे कि भामती वाचस्पति मिश्र की पत्नी थी। कैसा ग्रस्त जीवन, 12 साल प्रतीक्षा की और पति सन्यासी हो गए। सार गर्भित वचन बोले वाणी विचार प्रकाशन का साधन है, वाणी बता देती है कि हमारे विचार कैसे हैं, तो वाणी के द्वारा निंदा के शब्द न निकले। मधुर व्यवहार पुस्तक है, उसको हम लोग सभी, मैं भी पढूं आप भी पढ़ें, सबको पढ़नी चाहिए, 1 रुपए की पुस्तक है बस मधुर व्यवहार। पंजाबी भाषा में भी बापूजी के सत्संग की बहुत सारी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, साहित्य है पंजाबी में, आपको अगर वो अनुकूल आता है तो पंजाबी भाषा का साहित्य साहित्य स्टॉल से आप प्राप्त कर सकेंगे, पर पढ़ो जरूर, दूसरों को भी पढ़ाना। एक रिसर्च की गई जानकार डॉक्टरों द्वारा कि एक खरगोश को पकड़ लिया, बच्चे को, उसकी जो माँ थी वो चीखती चिल्लाती रही, अब बच्चे खरगोश को, छोटे खरगोश को ले गए, उसको दूर ले जाकर उसको थोड़ी यातना देने लगे और वहां जांच की यंत्र रखे थे कि उसकी जो माँ थी उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी कि मेरे बच्चे को कुछ हो रहा है, मेरे मासूम को ये लोग कुछ कर न दे, मार न दें, माँ की धड़कन बढ़ गई थी। पशु जंगल के रहने वाले, उसमें भी माँ का हृदय देखो कैसा, स्मृति कैसी, माँ बहुत दूर थी पर हृदय की गति बढ़ गई थी। तो जो कर्म किए जाते हैं वो तो समाप्त हो जाते हैं, क्रिया का अंत तो हो जाता है, परंतु उन क्रियाओं का, कर्मों का संस्कार हमारे चित्त पर पड़ता है और उन संस्कारों का रिकॉर्ड ही स्मृति है। अगर साधना करेंगे तो स्मृति में विवेक होगा और अगर साधना नहीं करेंगे तो स्मृति अनर्थकारी होगी, फिर गंदी बातें, गंदे कर्म उनके बारे में सोच सोच कर फिर ज़्यादा गलत काम में फंसेंगे, पतित होंगे।
तो सुमृत साधना करेंगे तो सुमृति में विवेक होगा और हमारी वो सुमृति कल्याण कर देगी हमारा। गलत सुमृति होगी, विवेक नहीं होगा, तो वो सुमृति विनाशकारी भी सिद्ध हो जाएगी। इसलिए सजगता रखना है। पांचवा रूप भगवान ने बताया मेधा। मेधा माने गीता में त्यागी पुरुष के बारे में मेधावी शब्द आया है। जो त्यागी है वो मेधावी है। त्यागी माना इसके बिना घर छोड़कर भाग जाए, नहीं लुधियाना छोड़ के हरिद्वार चला जाए, नहीं भागने से काम नहीं चलेगा, जागने से काम चलेगा। आप एक बात बताओ, आप रात को सोए हैं लुधियाना में अपने घर पर, ठीक है, आपने देखा स्वप्ना, स्वप्ने में पहुंच गए आप चेन्नई, बड़ी दूर पहुंच गए, ओहो चेन्नई पहुंच गए। अब आप घड़ी देख रहे हैं कि मेरे को तो सुबह लुधियाना पहुंचना है, काम है, कोई शिक्षक हूं मैं, मेरे को दुकान जाना है, कोई व्यापारी हो, स्वप्ना देखा चेन्नई पहुंच गया, सुबह तो दुकान पे पहुंचना है लुधियाना में, अब क्या करूं। पूछ रहे हैं कि दिल्ली की फ्लाइट कब मिलेगी, कितने बजे है ट्रेन, कितने बजे है राजधानी, मैं दिल्ली तक जाऊं फिर वहां से लुधियाना के लिए दूसरी ट्रेन पकड़ूं, पूछ रहे हैं सबसे टाइम टेबल। अब आप बताओ, स्वप्ने में आदमी सोया है बिस्तर पर घर में लुधियाना में, देख रहा हूं चेन्नई में, और वहां से आने के लिए सबसे पूछ रहा है कैसे जाऊं कैसे जाऊं कैसे जाऊं, तो चेन्नई से लुधियाना आने के लिए क्या उसको कोई प्लेन की जरूरत पड़ेगी, बताओ, ट्रेन की जरूरत पड़ेगी, कार की जरूरत पड़ेगी, किसी की जरूरत नहीं है, केवल आंख खुलने की जरूरत है। बस आंख खुल जाए तो वो लुधियाना में ही है, चेन्नई गया ही नहीं। ऐसे ही आंख खुल जाए, जाग जाए, तो फिर किसी चीज की, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, फिर तो मस्त पड़ा महिमा में, अपनी अपनी महिमा में जाग जाएंगे। बादलों की छाया, जब बरसात के दिनों में बादल खूब होते हैं आसमान में, तो बादलों के कारण सूर्य दिखता नहीं है, पर अगर जहाज में बैठकर, जो जहाजों में मुसाफरी किए होंगे उनको पता है, जहाज में बैठते हैं हम और जहाज बादलों को चीरता हुआ ऊपर चला जाता है बादलों के, तो फिर बादल नीचे दिखाई देते हैं और सूर्य स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे ही गुरुचरणों का ध्यान करते हुए, गुरु भक्ति और सेवा करते हुए हम साधना में ऊंचे उठ जाएंगे, तो जैसे बादल नीचे रह जाते हैं, ऐसे ही विकार वासना के आवेग झंझट ये सब नीचे रह जाएंगे, हम ऊंचे उठ जाएंगे, ज्ञान का सूर्य चमचम चमकता हुआ भासमान होगा। ऊंचे उठना है बस, और जागना है। उठो मानव, आंख खोलो, सो चुके हो, अब न सोना। तो गीता में त्यागी पुरुष के बारे में मेधावी शब्द आया है। संस्कृत वाङ्मय में भी बलिदान और त्याग के लिए मेध शब्द है। भागवत में भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को हरि मेधा की पदवी दी है। हरि मेधा, भगवत मई जिसकी मेधा है, यानी तीन शक्तियां जिसने भगवान के चरणों में अर्पित कर दी, बलिदान त्याग और सत्व, जिसने विकारों को छोड़ा है, त्याग किया अंदर से, वस्तु व्यक्ति की आसक्ति का त्याग किया है, और साधना में आगे बढ़ने के लिए अपनी तुच्छ इच्छाओं का बलिदान कर दिया, पिज्जा खाऊं, बर्गर खाऊं, पेप्सी पीऊं, नहीं 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 चाहिए, बलिदान, मुझे साधना करनी है, और सत्व, अपने सत्व की रक्षा, अपना सत्व नष्ट न हो गलत संग से, गलत व्यवहार से, गलत विचार से। जो बोलते हैं हमारे जीवन में तो गलत आदत पड़ गई, छूटती नहीं है, ऐसा कहने वालों को भगवान ने गीता में दुर्मेधा कहा है, दुर्मति कहा है, उनकी बुद्धि दुर्बुद्धि है। भगवान ने बहनों से त्याग की, अंतर्शुद्धि की और सात्विकता की अपेक्षा रखी है कि बहनें अपने सत्व को संभालें। भगवान ने अपेक्षा की है कि बहनें त्याग का गुण रखें। सीता, द्रौपदी, सावित्री, दमयंती की कथाएं प्रमाण है, कितनी धृति थी इनके जीवन में, 13 साल कष्ट झेले द्रौपदी ने, कितनी धृति, अपने निश्चय से विचलित नहीं। सीता जी ने लंका में 10 महीने कष्ट भोगा, 10 महीने रही,
और बाद में भी फिर कष्ट भोगना पड़ा, पर फिर भी सीता जी ने अपना सत्व कम नहीं होने दिया। तो आज भी उनके नाम की हम जय जयकार करते हैं। सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से लौटा लिए, दमयंती ने कितना कुछ किया, तो ये कथाएं इन नारियों की प्रमाण है धृति की। गीता में तीन प्रकार की धृति बताई, आप गीता पढ़ना, 18वां अध्याय 33वां 34वां और 35वां श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं परमात्मा के तरफ चलने वाली धृति वो अव्यभिचारिणी धृति है, इससे मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं पर आधिपत्य हो जाता है। दूसरी है राजसी धृति, माने इस लोक में भी सुख मिले और मैं सेवा आदि करूं तो मुझे परलोक में भी सुख मिल जाए, तो ये राजस धृति है। राजसी धृति वाले लोग कामना पूर्ति के लिए ही धर्म अनुष्ठान करते हैं। और तामसी धृति कौन सी, के नींद करना, चिंता करना, दुखी होना, उद्विग्न होना, घमंड करना, यह है तामसी धृति। भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को, इन तामसी धृति को छोड़ने में मानो बड़ा परिश्रम लगता है, वो सोचते ही नहीं कि इन दुर्गुणों को छोड़ने से हमारा भला होगा। अधिक नींद से, घमंड से, दुख से, इनसे हमारा भला नहीं होगा, इनको छोड़ेंगे तो भला होगा, ये भगवान ने संकेत किया है। दाऊद में एक महिला आई और कहने लगी मेरे पति मुझे बहुत तंग करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, मैं क्या करूं। इतने में एक दूसरी महिला आई, वो कहने लगी मेरे पति बीमार बहुत है, मैं क्या करूं। मैंने उनको कहा, पहले बुजुर्ग महिला जो थी उनको कहा आप महामृत्युंजय मंत्र पानी में देखते हुए जपो और वो पानी अपने पति को पिला दो, भले हॉस्पिटल में है तो वहाँ ले जाके पिला दो। तो वो जो महिला दूसरी थी वो कह रही थी कि मेरे पति मुझे बहुत तंग करते हैं, परेशान करते हैं, मैं क्या करूं। तो वो कहने लगी कि मुझे कहा भाई जी मैं भी अपने पति के लिए मंत्र करूं। अब एक तरफ बोली थी मेरे पति मुझे बहुत तंग करते हैं, बात बात में गुस्सा करते हैं, अब एक तरफ वो कहने लगी मैं भी मेरे पति के लिए मंत्र जप करूं। कैसा देखो नारी के हृदय की भावना, महिला के हृदय की महान पवित्र भावना। तो हर युवान को चाहिए, भाई को कि बहन हो, सजाग हो जाए। युवा वर्ग पर क्यों चढ़ा है पाश्चात्य का रंग, हो रही है आज पुराने और नए जमाने की जंग, सिनेमा म्यूजिक डिस्को ही है क्यों इनके जीने का ढंग, मोबाइलों की होड़ लगी है और भी बड़ों को करे तंग, पिज़्ज़ा बर्गर डोसा चाउमीन खाने की रहती सदा उमंग, ऐसा हुआ बस इसी वजह से क्योंकि नहीं मिला बापू का संग, नहीं मिला सदगुरु का संग। क्यों रहा नहीं जाता कुछ घंटे भी हमसे मौन, क्योंकि हाथों में आ गए आधुनिक मोबाइल फोन, घंटों भर बात करके बिल बढ़ाया, लेते हैं फिर बैंकों से लोन, नित नवीन मोबाइल बदले और बदली है इनकी रिंग टोन, इनसे फुर्सत मिले तो जाने कि वास्तव में है हम कौन। अपनी महिमा का पता चले कि मैं कौन हूँ, को हम मैं कौन हूँ। लोग बड़े बड़े विचित्र हो गए, फोन रखते हैं पर मौन नहीं रखते, ये बोलते हैं इनकमिंग फ्री है, कोई हुआ इनकमिंग फ्री है, पर दिमाग के ज्ञान तंतुओं को नुकसान होता है, उसका क्या, उसकी रिसर्च की गई। आपको अगर सीडी बताए ना उसकी, तो आप कान पे कभी मोबाइल फोन नहीं रखोगे,